नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं जो आपने शायद आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। आप इसे जितना भी खा लेंगे आपका पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। ये खाने में जितना स्वादिष्ट है पर बनाना तो आप देखेंगे उतना ही आसान है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिए हैं 5 ब्रेड पीस। मैंने नॉर्मल वाली ब्रेड ली है जो घर में आती है वाइट वाली ना, वही 5 पीस लिए हैं। सबसे पहले हम इन ब्रेड को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हमने इसके किनारों को नहीं हटाना है, किनारों समेत ही बनाना है और इसको छोटा छोटा पहले तोड़कर तैयार कर लेना है सारी ब्रेड को। देखिए सारी ब्रेड को हमने तोड़कर तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार जिसमें इस टूटी हुई ब्रेड को डाल देंगे जो हमने तोड़ रखी है। इसको डालने के बाद मैंने ली थी एक हरी मिर्ची कम तीखी वाली, उसे रफली चॉप कर लिया था। थोड़ा सा लिया था अदरक का टुकड़ा, उसे भी छीलने के बाद रफली चॉप कर लिया, वो डाल रही हूँ। और आधा कप के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी, ये नॉर्मल सूजी है वही डाल रही हूँ। और आधा कप ही मैंने लिया है दही। दही मैंने ज्यादा खट्टा नहीं लिया है, नॉर्मल दही लिया है। और इसी कप से नाप करी ना मैं आधा कप अभी पानी डाल रही हूँ। पहले आधा कप पानी डालकर इसको पीस के देख लेंगे, बाकी पानी हम बाद में डालेंगे। देखिए हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। ये इस ढंग का बैटर होना चाहिए। इसमें हमारा टोटल 1 कप के करीब पानी लगा है। अब इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे हम। आप देख पा रहे होंगे बैटर ऐसा होना चाहिए। अब डालेंगे कुछ और चीजें जो इसके टेस्ट को बढ़ाएंगी। मैंने ली है प्याज, मैं इसमें 1 प्याज बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। और 1 ही गाजर ली थी मैंने, उसको भी बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। 1 ली थी मैंने शिमला मिर्ची, उसको भी बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। सब्जियाँ आप अपने पसंद की डाल सकते हैं। गाजर को चाहे आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टमाटर, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब डालेंगे कुछ मसाले। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। देखिए नमक ध्यान से डालें क्योंकि थोड़ा सा नमक ना चाट मसाला में भी होता है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची, इसकी जगह आप पीसी हुई भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। पहले तो इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए जो सब चीजें हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैंने 1 पाउच लिया था इनो का छोटे वाला, वो डाल रही हूँ। और मिक्सी के जार में ना थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, वो इसके ऊपर ही डाल रही हूँ जिससे कि इनो है ना एक्टिवेट हो जाए। ये देखिए इस ढंग से अब अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स करना है। डालकर बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। इनो की जगह आप 1/2 टीस्पून मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। अगर बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। इस ढंग का बैटर होना चाहिए। इनो डालने के बाद या सोडा डालने के बाद हमने इसको तुरंत बनाना है। अब लेंगे एक पैन, गैस ऑन कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको फैलाते हुए हमने गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें से 2 छोटी करछी इसमें से बैटर डालेंगे। गैस को कर देंगे लो मीडियम, थोड़ा सा फैला देंगे, ज्यादा पतला नहीं करना क्योंकि हमने इसमें सब्जियां डाल रखी हैं, ये थोड़ा मोटा ही अच्छा लगेगा। ऐसे हल्का सा फैलाने के बाद अब इसको हम ढक देंगे। गैस को लो मीडियम करना है और इसको ढक देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से फूल गया है, इसका कलर भी ऊपर से चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से पक चुका है, जाली भी बहुत अच्छे से आ चुकी है।
सीख जाएगा ना, आप देखेंगे ये अपने आप बहुत आराम से पलट जाएगा। ये देखिए, इसी ढंग से हमने दूसरे साइड से भी ना ढककर सेकना है, ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट तक, देखिए 2 मिनट तक हमने दूसरी साइड से भी अच्छे से पलट के इसको सेक लिया है। आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से पक चुका है, सेक चुका है। अब इसी ढंग से हमने बाकियों को भी बनाकर तैयार करना है। दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। हमने थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, ज्यादा ऑयल की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चम्मच ही बैटर डालना है, हल्का सा फैलाना है और इसको ढक देना है 2 मिनट के लिए। 2-2 मिनट तक दोनों साइड से हमने ढककर पकाना है, लेकिन गैस को लो मीडियम करना है। इसी ढंग से सबको बनाना है। इस चटपटे और मजेदार नाश्ते को ना स्पेशल चटनी के साथ सर्व किया है। इस चटनी का लिंक आपको वीडियो की एंड में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।